गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपसे फिर से आ गया है एक नया गवर्नमेंट जॉब के बारे में बातचीत करने के लिए। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है, यह है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा सारा पोस्ट मिलने वाला है। और इसमें सबसे एक जो बुरी बात क्या है आपको पता नहीं है, इसका जो पोस्ट है उसको आपको बहुत ही पोस्ट मिलने वाला है, और उसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसको आपको बस सिर्फ 10वीं पास होने से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यह जो बैच है वो आपको 2019 के बैच में आपको एंट्री जाएगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से फास्ट में एक वैकेंसी आई है, जिसमें आपको आप 10वीं पास होने से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाख से देखते रहिए, क्योंकि पता नहीं आपको इस 2 मिनट का वीडियो में आपका लाइफ का यू टर्न ले सकता है। तो प्लीज आपको अगर पसंद है तभी आप वीडियो को देखते रहिए, नहीं तो आप वीडियो यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो आगे शुरू करता हूँ। तो आज की जो वैकेंसी आई है यह इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें आपको 10वीं 12वीं 10वीं पास होने से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन का जो मोड है वो आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका आपको जॉब में जो पोस्ट मिलने वाला है वो है आपको कुक में आपको पोस्ट मिलने वाला है। और सेकंड पोस्ट जो है स्टेवर्ड। स्टेवर्ड क्या होता है बहुत सारा मेरे फ्रेंड को नहीं मालूम है स्टेवर्ड क्या होता है। स्टेवर्ड क्या होता है, जैसे कि आपको स्टेवर्ड आपको किचन में ही खाना पकाना होता है, जैसे कि ऑफिसर को खाना देना, खाना जैसे कि कोई आ गया उनको कुछ भी रिसीव करना, वो भी करना, वगैरह करना, कोई को जहरा चुपा लगाना, सब कुछ लगाना। मतलब कि आपको कुक के साथ में जितने सारे भी हेल्प चाहिए आपको स्टेवर्ड ही कर देता है। कोई ऑफिसर का खाना लगाना, कुछ भी करना, ये सब कुछ काम जितने कुछ भी होता है वो स्टेवर्ड के अंदर में होता है। तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी सारा वैकेंसी है। और ये जो पोस्ट देख रहे हो, ये जो आप मेरे सामने पीडीएफ देख रहे हो दोस्त, अगर आप अपना पीडीएफ को अपना खुद से डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से जाके भी खुद से आप रीड करना सकते हो। और जो फ्रेंड मेरे को बिलीव करते हो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इस वीडियो में और भी पूरा जानकारी दूंगा। तो ये जो वैकेंसी है ये आपको एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो आपको क्या कहाँ में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्ट जून होने से आपको नोएडा में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, और नॉर्थ ईस्ट जून होने से कलकत्ता में आपको एग्जाम सेंटर पड़ेगा, ईस्टर्न जून होने से आपको चेन्नई में सेंटर मिलने वाला है, वेस्टर्न जून होने से आपको मुंबई में एग्जाम सेंटर मिलने वाला है, नॉर्थ वेस्ट जून होने से आपको गांधीनगर में एग्जाम सेंटर मिलने वाला है। और इसका जो एप्लीकेशन का जो सबसे अच्छी खासी मोड है, इसका एप्लीकेशन का जो मोड है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग का डेट है वो आपको 8 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ भी फीस कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ आपको आपका ऑनलाइन में आपका एप्लीकेशन सबमिशन करना पड़ेगा। ये जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी सारा पोस्ट है। ये जो पोस्ट आपको पता नहीं, एक पोस्ट एक वीडियो आपके लाइफ के लिए यू टर्न ले सकते हैं। इसका स्टार्टिंग का जो डेट है वो 15 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हो, और एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है आपका 29/10/2018 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका आपको कुछ भी नहीं, अभी इधर डेट ऑफ एग्जामिनेशन कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और इसका एग्जामिनेशन का जो सेंटर है मैंने तो आपको सब कुछ बोल दिया। और इसका आपको एज जो लिमिट है, आप 18 से 22 साल के अंदर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको एस पर रिलैक्सेशन हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाएगा। SC ST को 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC को 3 साल का छूट मिल जाएगा, एस पर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत ही सारी एक अच्छी खासी जॉब है। अगर आप इसमें भर्ती आना चाहते हो तो प्लीज़ आप इसको इस जो वीडियो है वीडियो को देखते रहिए, और इसका जो एप्लीकेशन को स्टार्ट है वो आप अप्लाई कीजिए और एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए। आपको बस सिर्फ 10वीं पास होने से आप इसके लिए अप्लाई करते हो। दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपको दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ही आपको सबसे पहले ऐसे ही जितने डिफेंस के बारे में जॉब है तो मैं ही सबसे पहले आपको यूट्यूब में अपडेट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।